इस वक्त मेरे साथ बल्ली मारान सीट से कांग्रेस उम्मीदवार उबेद खान जी है। उबेद खान जी, सबसे पहले सवाल आपसे यही कि चुनाव अब नजदीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, तो ऐसे में तैयारियां किस तरह से चल रही हैं? तैयारियां कांग्रेस को वापसी का जो है, सब लोगों की यही वो है मंशा कि वापसी आना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी की जो झाड़ू का निशान है, वो झाड़ू की उम्र जो है वो पूरी हो चुकी है, तो इसलिए लोग चाहते हैं कि वापसी कांग्रेस आए। और हम इसी तरीके से प्रचार कर रहे हैं, और प्रचार करने में जो लोगों का हमें समर्थन मिल रहा है, तो उससे हमें लग रहा है कि हम अपनी सीट को जो है बहुत जल्द कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। आपके वार्ड में ऐसे 5 काम जो जीतने के बाद आपको लगता है कि वो पूरे होने चाहिए और अभी तक नहीं किए किसी भी काउंसलर ने? 5 काम, एक तो पेंशन का मसला है, दूसरा सफाई का है, और जो करप्शन जो यहाँ पर बढ़ा हुआ है, जैसे माफिया जो चल रहा है, तो उसको और जो ये लोग कर रहे हैं यहाँ के जो एमएलए साहब ने करा है अब तक, जो आज तक कभी नहीं हुआ कि रातों को और दिनों में कभी गोलियाँ चल रही हैं, तो इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और जो भी समस्याएं होंगी लोगों की उसको हल करने की कोशिश करेंगे। विकास को ये काफ़ी भीड़ भाड़ जो आपको देखेंगे जा करके कि चरखे वाला के लोग कहते हैं कि सफाई नहीं होती हमारे यहाँ, तो ये जो इन्होंने फ़र्क महसूस किया है एक दूसरे में, तो हम उसको फ़र्क को ख़त्म करेंगे कि अपने एरिया के अंदर अपने जो ऑफिस की जगह है वहाँ तो ये सफाई भी कराते हैं और पाउडर भी डलवाते हैं, वहाँ के लोगों की शिकायतें ऐसी है, तो उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे और सबको एक साथ जुट होकर के चलाएंगे। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा कि कोई हिंदू है या मुसलमान है, कोई सिख ईसाई, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होगा इसके अंदर। चुनावी वादे क्या कह रहे हैं आपके, जनता के बीच में उतर रहे हैं आप? जो भी मुझसे पूरे काम हो सकेंगे, पेंशन का मसला है, सफाई का है, और जो भी कर्मचारी कहीं काम नहीं करता है, कुछ ऐसा हुआ है, तो मैं उसको पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। जो बताया लोगों ने कि परेशानी होती है घर बनाने में, कोई भी आके खड़ा हो जाता है, दिक्कत होती है। अब लोगों को 2 लाख रुपये अपने घर बनाने के लिए चाहिए और फिर एमएलए साहब को कुछ देने के लिए चाहिए, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि लड़ें, ये है। टक्कर की अगर मैं बात करूं तो टक्कर आप सीधे तौर पर किससे मानते हैं, क्योंकि यहां पर जो है विधायक हैं वो भी आम आदमी पार्टी से हैं और उसके बाद मंत्री भी हैं, वो ऐसे में बीजेपी से आपकी टक्कर रहेगी आम आदमी पार्टी से? मेरी बीजेपी से टक्कर रहेगी आम आदमी पार्टी को। मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि झाड़ू की जो है उम्र जो है वो ख़त्म हो चुकी है, उसको लोग जान चुके हैं, उनके तिनके जो है वो बिगड़ चुके हैं, तो इसलिए कोई ऐसा कोई टक्कर के लिए बीजेपी है, बीजेपी को देखेंगे जब टाइम आएगा। वैसे तो कांग्रेस की अच्छी प्रचार हो रहा है, अच्छे लोग उनको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो हम कामयाबी की तरफ चल रहे हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस की जो डूबती नैया है, कहीं ना कहीं एमसीडी इलेक्शन जो उपचुनाव हो रहे हैं इसके अंदर वो पार लग सकती है, जिस तरह से पिछले 10-15 साल तक कांग्रेस ने राज किया और उसके बाद एकदम से उसका बंटाधार हो गया, इसके बाद उपचुनावों में किस तरह से लगते हैं कि जीत की ओर बढ़ रही है कांग्रेस? पिछली बार जो लोगों ने अपना विचार रखा था कांग्रेस के खिलाफ जाकर के, उन लोगों को अब समझ आ गई है, वो लोग जान गए हैं कि कांग्रेस के अलावा कोई देश को चला ही नहीं सकता, और ना कोई पार्टी ऐसी है, ना केजरीवाल जी हैं, ना मोदी जी हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा है विकास का जो लोगों को, लोग आज दिक्कत में हैं, परेशानी में है, कोई कारोबार नहीं किसी तरीके का, कोई भी वो नहीं है, तो इसकी समस्या के लिए अच्छा मैसेज जाएगा। 13 की 13 सीटें कांग्रेस जीतेगी, और उसके बाद केजरीवाल जी को मालूम होगा कि दिल्ली में कितना विकास उन्होंने किया है, और पॉल्यूशन के नाम पर जो वो काम कर रहे हैं, तो उनको पता लग जाएगा कि OD1 क्या होता है, कैसे लोगों को होती है, तो अब सब पब्लिक बता ही देगी 15 तारीख को आपको। बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर उबेद खान जी का कहना है कि दिल्ली की जो 13 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस ही अपनी जीत दर्ज करेगी, और ऐसे में उबेद खान जी कांग्रेस की डूबती हुई नैया को पार लगाएंगे, ये आने वाली 15 तारीख बताएगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ चेतना चौधरी, शंखनाद न्यूज़।